बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को हिदायत दी कि सत्र के बाद अपने चुनाव क्षेत्र में 14 दिन गुजारें। केंद्र सरकार के 2 साल पूरा होने पर कई बैठक मंत्रियों को सरकार के काम का प्रचार करने को भी कहा गया है। राज्यसभा में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने नेहरू का नाम पाठ्यक्रम से हटाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नेहरू, गांधी और अंबेडकर का नाम किताबों से हटाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बीमार हो गए हैं। राहुल गांधी को 3 राज्यों पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु में चुनाव कैंपेन के लिए जाना था, लेकिन फिलहाल राहुल ने दौरा टाल दिया है। सीबीआई जा अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गौतम खेतान से पूछताछ कर रही है। फाइल और दस्तावेजों के साथ सीबीआई गौतम खेतान मुख्यालय पहुंचे हैं। सलमान खान हिरण शिकार केस किया, जोधपुर कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने सलमान के वकील जिरह करेंगे। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सलमान खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिसर्जन राजस्थान में हुए एमओयू से सबसे ज्यादा फायदा अलवर को होगा। राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्र से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा अलवर जिले में खर्च करने की तैयारी में है। जानकारी प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खुसर ने दी है। अलवर में भिवाड़ी के मिलकपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला की घरेलू हिंसा के बाद सदमे मौत हो गई है। बुजुर्ग महिला कई दिनों से बीमार थी। वे खाना बनाने को लेकर सास बहू में झगड़ा हुआ था, जिसमें सदमे में आकर बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। भरतपुर में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की और बच्चे की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। सरदार शहर में विधायक निवास के पास फायरिंग कर लूट की कोशिश नाकाम रही। भारद्वाज नाम के शख्स ने बताया कि उनके रिश्तेदार दिल्ली से उनके घर आ रहे थे, तभी उनका पीछा कर रहे 3 बदमाशों ने फायरिंग कर रोपियों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। सवाईमाधोपुर में ग्राम पंचायत का रिश्वतखोर सचिव एसीबी के हत्थे चढ़ गया। एसीबी ने आरोपी सचिव ओम प्रकाश मालिक को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बैबर पुलिस ने सिंदरा रोड के पास होटल में दबिश देकर लाखों के अवैध शराब पकड़े। पुलिस ने होटल में शराब पी रहे 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। जयपुर में अपराध रोकने के लिए शुरू की गई व्हाट्सएप सेवा के सफल नतीजे सामने आने लगे। क्राइम ब्रांच के डीजीपी विकास पाठक ने बताया कि 14 अप्रैल से शुरू हुई व्हाट्सएप सेवा के तहत अब तक 100 शिकायतें आ चुकी हैं। जयपुर में दूषित पानी पीने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। ताजा मामला वार्ड नंबर 79 का है, जहां दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। दूषित पानी पीने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। अलवर में पेयजल संकट गहरा गया है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इलाकों में पेयजल सप्लाई नहीं हो रही। लोग टैंकर मंगवाकर प्यास बुझाने को मजबूर हैं। जयपुर के शाहपुरा में लोगों को पिछले 1.5 महीने से गंदा और बदबूदार पानी पीना पड़ रहा है। वार्ड संख्या 13 में बार बार शिकायत के बाद भी जलदाय विभाग अभी तक समस्या का समाधान नहीं कर पाया है। किलेबंगा में ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर है। चक ग्राम 26 एसटीजी में वाटर बॉक्स की हालत खराब। फिल्टर प्लांट की छत गिर गई। डिग्गों में भी गंदा पानी जमा है। पानी के डिग्गों के समय पर सफाई नहीं होती। बयाना के कचहरी परिसर में फैली गंदगी और आवारा जानवरों को लेकर लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का गंदगी और बदबू के चलते परिसर में बैठना मुश्किल हो गया है। हनुमानगढ़ नगर परिषद प्रशासन अच्छी पहल की है। कचरे के ट्रॉली पर तिरपाल डालने के आदेश पारित किया गया, जिससे ट्रॉलियों में कचरा ना बिखरे और नागरिकों का कोई परेशानी ना हो। प्रदेश भर के नर्सिंग कर्मी अपनी मांगों को लेकर सरकार से आरपार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। 12 मई को होने वाली बैठक में बेमियादी हड़ताल की रणनीति बनाने के लिए सरकार को घेरा जाएगा। लाड़नू के गेनाड़ा गांव का सरकार स्कूल जिले का पहला हाईटेक स्कूल बन गया। ग्रामीणों की मदद से सरकार स्कूल में सीसीटीवी लगाए गए हैं, ताकि स्कूल में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। टिहरी के राज्यीय उच्च माध्यमिक स्कूल में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से स्वीकृत 4 कक्षों का भूमि पूजन संसदीय सचिव स्थानीय विधायक घराराम ने किया। अलवर सेना भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। सेना में भर्ती होने का सपना देखने वाले युवा भर्ती परीक्षा में अपना दमखम दिखा रहे हैं। भर्ती परीक्षा का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जा रहा है। मोटोरोला अगले फ्लैगशिप मोटो एक्स लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन इस बार कंपनी कोई साधारण स्मार्टफोन नहीं बल्कि ऐसा स्मार्टफोन लाएगी जिसमें आप खुद से पार्ट्स लगा सकेंगे। केकेआर के बाएं हाथ के स्पिनर ब्रैड हॉग को आईपीएल के मैच के दौरान अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने पर मैच रेफरी ने फटकार लगाई है। हाल ही में शादी के बंधन में बंधे बिपाशा और करण हनीमून के लिए मालदीव गए। दोनों ने अपने हनीमून के पिक्चर्स शेयर किए हैं।